शुभ प्रभात विद्यार्थी मित्रों। मित्रों, आज हम कविता अन्वेषण इसको रिवाइज करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं कविता का अर्थ। अन्वेषण अर्थात खोज। प्रस्तुत कविता में कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने ईश्वर का अन्वेषण करने का प्रयास किया है। फलतः उनके जो भी अनुभव है वे उनकी लिखी कविता की पंक्तियों में व्यक्त है। ईश्वर अपने भक्तों से क्या चाह रखते हैं इस कविता के माध्यम से बताया गया है। जीवन में सच्ची ईश्वर भक्ति का क्या उद्देश्य है इसका वर्णन कविता में किया गया है। यहाँ पर कवि ने ईश्वर के निर्गुण व निराकार रूप को बड़े ही अच्छे तरीके से अपने शब्दों में व्यक्त किया है। कविता के आरंभिक भाग में ईश्वर को दुनिया में हर जगह ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, परंतु इतनी खोज के बाद भी उन्हें ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाए। कविता के मध्य भाग में उन्हें समझ में आया है कि ईश्वर को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे तो हर स्थान पर विद्यमान है। दुनिया के हर एक कण-कण में परमात्मा की सत्ता देखने को मिलती है। साथ ही कवि ने यह भी कहा है कि हर एक धर्म में ईश्वर के अलग अलग रूप को दिखाया गया है, परंतु मूल बात तो यह है कि ईश्वर एक ही है। कवि ने कविता के अंतिम भाग में ईश्वर से प्रार्थना की है कि वे उनके मन को हमेशा साफ रखने में उनकी मदद करें और जीवन में आने वाली हर एक मुसीबत से डटकर लड़ने की उन्हें क्षमता प्रदान करें। आइए कविता का अर्थ जान लेते हैं। मैं ढूंढता तुझे था --- संगीत में वजन में। इन पंक्तियों का अर्थ है, कवि ईश्वर को सगुण रूप मानकर अलग अलग स्थान पर ढूंढने का प्रयास करते हैं, किंतु वे उन्हें नहीं मिलते क्योंकि ईश्वर की मौजूदगी कई अन्यत्र ही होती है। कवि कहते हैं कि जब वे ईश्वर की खोज कुंज और वन में कर रहे थे तो वे उन्हें किसी गरीब की झोपड़ी में खोज रहे थे। जब कवि ईश्वर को संगीत और भजन गा गा कर बुला रहे थे तो वे किसी गरीब की आह बनकर कवि को पुकार रहे थे। कवि का भाव यह है कि ईश्वर वहाँ नहीं होते जहाँ उन्हें कवि ढूंढने का प्रयास करते हैं, बल्कि ईश्वर वहाँ होते हैं जहाँ उनकी ज़रूरत होती है। ईश्वर की कवि से यही भी अपेक्षा है। आगे, मेरे लिए खड़ा था --- तब मान और धन में। कवि कहते हैं कि जब वे ईश्वर का इंतज़ार किसी फुलवारी या बगीचे में कर रहे थे तो वे दुखियों के दरवाजे पर खड़े होकर कवि का इंतज़ार कर रहे थे। जब कवि दुनिया में मान सम्मान धन एकत्र करने में लगे थे तब ईश्वर किसी दुखियों के आंसू बनकर उनके लिए बह रहे थे। अर्थात ईश्वर यह चाहते थे कि कवि उन दीन दुखियों की मदद करे, उनके आंसू पोंछकर उनके दुख दूर करे। कवि का कहने का भाव यह है कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। ईश्वर को प्रसन्न करने के बजाय उस कार्य को करना चाहिए जिससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। आगे, बाजे बजा बजा कर --- तब तू किसी पतन में। कवि इन पंक्तियों से कहते हैं कि जब वे बाजे बजा बजा कर ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे तब ईश्वर गिरे हुए अर्थात जिनका नैतिक रूप से पतन हो चुका था या जो अपनी हिम्मत हार बैठे थे ऐसे लोगों को एकजुट करने में लगे हुए थे। कवि जब दुनिया और उसके भोग विलासों को नश्वर समझकर उनसे मोह त्याग कर ईश्वर में विश्वास से भी दूर हो गए थे तो ईश्वर दुनिया की गिरावट को ऊपर उठा रहे थे, अर्थात विकास के कार्य में लगे हुए थे। कहने का भाव यह है कि दुनिया में कमियों की शिकायत करना आसान है, किंतु उन्हें मिटाने का कार्य करना ही सच्चे अर्थों में महानता है। ईश्वर भी हमसे ऐसे महान कार्यों की अपेक्षा रखते हैं। आगे की पंक्तियाँ, बेबस गिरे हुओं के --- मैं व्यस्त था कथन में। कवि कहते हैं कि वे ईश्वर से नहीं मिल पाए तो इसमें गलती उनकी ही थी। ईश्वर थे कहीं और, कवि उन्हें कहीं और ही ढूंढ रहे थे। ईश्वर बेबस और लाचार लोगों के बीच खड़े थे, लेकिन कवि उनके पैरों में झुक न सके क्योंकि वे सोचते थे कि ईश्वर तो ऊपर स्वर्ग में होंगे। वे यह भूल गए कि ईश्वर निर्गुण निराकार रूप में सर्वत्र व्याप्त होता है, इसलिए
उसे ढूंढने की मूर्खता करना व्यर्थ है। ईश्वर ने कवि को मिलने के अनेकों मौके दिए, लेकिन वे उनसे मिल नहीं पाए, क्योंकि ईश्वर तो ज़रूरतमंदों की मदद करते हुए अपने कर्मों में व्यस्त थे और कवि केवल कथन मतलब कहने बोलने में ही व्यस्त थे। आगे की पंक्तियाँ, कैसे तुझे मिलूँगा डैश डैश विस्तार है गगन में। कवि इन पंक्तियों से कहते हैं कि उनके ढूंढने के स्थान और ईश्वर के होने के स्थान में जब इतना अंतर है तो ऐसी अवस्था में उनका ईश्वर से मिल पाना संभव नहीं है। अतः अपने सभी प्रयासों को विफल देख कवि हैरान होकर ईश्वर की शरण में आ गए। उन्होंने ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को सर्वत्र व्याप्त मानकर उनका गुणगान करते हुए कहा कि सूर्य की किरणों में ईश्वर का रूप है और फूलों में उनकी सुंदरता है। ईश्वर प्राणवायु के रूप में सर्वत्र व्याप्त है और आकाश उनका विस्तार यानी विस्तृत आकार है। कहने का भाव यह है कि ईश्वर अपने निर्गुण रूप में सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए कवि को वे चारों ओर दिखाई दे रहे। आगे की पंक्तियाँ हैं, तू ज्ञान हिंदू ओ में डैश डैश मन में तथा वचन में। कवि ने सभी धर्मों में ईश्वर के होने का एहसास किया है। उन्होंने ईश्वर को हिंदुओं में ज्ञान के रूप में, मुस्लिमों में ईमान के रूप में, क्रिश्चियनों में प्रेम के रूप में तथा सज्जन लोगों में सत्य के रूप में बताया है। कवि ने ईश्वर को दीन बंधु मतलब दीन दुखियों का भाई मानकर यह प्रार्थना की है कि वे कवि को ऐसी प्रतिभा प्रदान करें कि वे जहाँ भी दृष्टि डाले उन्हें वहाँ ईश्वर के ही दर्शन हो, उनके मन में ईश्वर के अलावा और कोई ख्याल न आए तथा वे जब भी बोले उसमें ईश्वर की बात हो। कहने का भाव यह है कि कवि अपने मन वचन तथा कर्म से ईश्वर के प्रिय बनना चाहते हैं। आगे की पंक्तियाँ हैं, कठिनाइयों दुखों का डैश डैश मेरे अधीर मन में। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बताया है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन्होंने भी मुश्किलों दुखों के सामने हार नहीं मानी बल्कि उनसे लड़े, उनका यह इतिहास में यश इतिहास में वर्णित है। अतः कवि चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें कष्टों को सहने का सामर्थ्य दे। कहने का भाव यह है कि कवि ईश्वर से कष्टों को न देने की प्रार्थना नहीं करते बल्कि उसे सहन कर सकने की क्षमता देने की प्रार्थना करते हैं। कवि अपने अधीर बेचैन मन में ईश्वर से अपना ऐसा प्रभाव भर देने की प्रार्थना करते हैं कि वे न तो दुख में हार माने और न ही सुख में ईश्वर को भूले, अर्थात कवि सच्चे अर्थों में ईश्वर की भक्ति करना चाहते थे। मित्रों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से कविता अन्वेषण को फिर से एक बार पढ़ा है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होंगी। धन्यवाद।